तो अभी चलते हैं सीधे और ठगेश के वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। अभी सुना है कि एक नया वीडियो भी आ गया है उनका। मुकेश अंबानी के पोते ने उनसे खिलौना मांगा तो उन्होंने पूरी हैमली खरीद ली। मुकेश अंबानी के पोते ने कहा होगा कि मुझे स्पाइडरमैन से मिलना है तो उन्होंने स्पाइडरमैन को मुंबई बुला लिया, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड को भी। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं आईपीएल मैच को वीआईपी की तरह देखने का चांस। जी आपको मिल सकती है आईपीएल की वीआईपी कपल टिकट्स, वो भी सिर्फ ₹1 में। पूरा वीडियो जरूर देखना। कुछ दिनों पहले नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेरेमनी की लॉन्च पार्टी थी और हमारे प्यारे प्यारे पापा राजी ने इतना बवाल मचाया कि गेस्ट भी कंफ्यूज हो गए कि आर्ट एग्जीबिशन बाहर है कि अंदर। शर्मा गए ये कौन से आर्ट का प्रदर्शन कर रहे जर्नलिस्ट? निक जोनस को बोल रहे जीजा जी शर्मा गए। वो शर्मा सकते हैं क्योंकि उनमें शर्म है, थोड़ी तुझमें भी होती तो ऐसी हरकतें ना कर रहा होता। प्रियंका चोपड़ा के सामने उसके पति को निकुआ निकुआ कर रहे हैं। निक को समझ नहीं आ रहा है लेकिन प्रियंका को तो समझ आ रहा है ना। हाँ किसी दिन ब्रैड पिट आ गया तो क्या बोलेगा, ब्रैडवा। इतना ही नहीं, हॉलीवुड स्टार जेंडिया झेंडाया क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम भाई, गीगी हदीद टॉम हॉलैंड को भी बुलाया था। मुकेश अंबानी ने सारी तैयारियां बहुत अच्छे से की, बस जर्नलिस्ट की तैयारी नहीं कर पाए। स्पाइडरमैन को मकड़ा मैन बुलाया क्योंकि उसके सामने हाँ बैटमैन मत आना भाई, इधर चमगादड़ बिमगादड़ बोल देंगे तेरे को, बेइज्जती हो जाएगा। हाँ तेरे बैट मोबाइल के लिए पार्किंग भी नहीं है इधर, फोटो लेके चले आएंगे तेरा। Snap! This one is going into my cringe compilation. Tom Homecoming. उसको उसकी मूवी का याद दिलाया, घर पे खाने पे बुला रहे। Tom, 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 Tom. Homecoming. Tom, Tom. Dinner, dinner. Tom. मूली मूली पराठा, मूली पराठा. Full gas. Gas पूरी 20%. Your costume pack. अंदर gas. Full die. Tom. इसको ले लो. आज भी यहाँ पे कोई फॉरेन मॉडल या एक्ट्रेस आती है ना, लोगों को सब शकीरा ही लगती है, सब शकीरा है। बाहर की कोई आई शकीरा कैंडिया, ये राइट साइड, ये राइट साइड, इधर इधर है, उधर भी खड़े मैम मैम, हेलो 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 मैम, हियर मैम, हियर सेंटर। देखो ऐसे देखूं तो फनी तो है, अनप्रोफेशनल है लेकिन फनी भी है। गीगी को जीजी को उस भी कड़े बोला, तुम लोग बच गए हो, विल स्मिथ नहीं आया, उसकी बीवी को यार तेरा बोला होता ना सीधा आके फटके देता। तो इवेंट के दिन ऐसा लग रहा था बॉलीवुड को पूरा छुट्टी का दिन दे दिया है क्योंकि उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब स्टार्स थे वहां पे। मुझे लगता है ना बॉलीवुड वालों का मुकेश अंबानी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मुकेश अंबानी एक इन्वाइट डालता होगा, सब ऐसा थंब डाल के आ जाते होंगे। इवेंट में वरुण धवन ने जीजी को स्टेज पे उठा लिया और उसे किस भी किया गाल पे। वरुण भाई हर एक्ट्रेस को गोदी में उठा लेते, माना ये स्क्रिप्टेड था, ये सब प्लान है। हाइट बड़ी होती है ना एक्ट्रेस की तो लोगों को मालूम नहीं पड़ना मांगता है वरुण भाई। तो उस पे इंटरनेट के मॉरल पुलिसिंग वाले पहुंच गए। अदिति दीदी ने एक ट्वीट किया, अगर आप एक औरत है तो आप कहीं भी किसी के भी साथ सुरक्षित नहीं है। अगर आप गीगी हदीद है और एलीट क्लास पार्टी में इनवाइटेड है फिर भी वरुण धवन जैसे लड़के तुम्हें रैंडमली उठा के किस कर लेंगे। लेट्स गो गर्ल, लेकिन गर्ल ये स्क्रिप्टेड था गर्ल। वरुण धवन ने खुद इस पर रिप्लाई दिया, दादा शाड़ी मत बन, ये सब पहले से प्लान था। और इस इवेंट में शाहरुख भाई की पूरी फैमिली भी मौजूद थी और एंट्री के वक्त शाहरुख भाई नजर नहीं आ रहे थे इसलिए शाहरुख की फैमिली ने सलमान भाई के साथ फोटो ले ली। है कौन तू मेरी बीवी का, हा? क्या लगता है तू उसका बड़ा भाई है, उसका उसका छोटा भाई है, चचेरा भाई है, मामा है, ताया, क्या है तू, क्या रिश्ता कहते हैं मेरी बीवी के साथ। सलमान भाई कितने अच्छे लग रहे हैं यार फैमिली फोटो में, क्या यार लुवाई कर लो ना। कहाँ है शाहरुख भाई की फैमिली, यहाँ है तो शाहरुख भाई कहाँ है। अच्छा सिंगल बने घूम रहे है शाहरुख भाई, क्या आर्यन और शाहरुख भाई सेम फ्रेम में आ गए तो लोग आर्यन को एज में बड़ा ना समझ ले। भाई 57 की उम्र में शाहरुख ऐसा दिख रहा है, नॉर्मल लोग बेटे को बोलते हैं कि बाप जैसा दिख रहा है, फोटो के कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं बाप बेटे ऐसा दिख रहा है। चलिए अब बात करते हो कैसे आप जीत सकते हो आईपीएल की दो वीआईपी टिकट्स। तो 7 अप्रैल को इंडियन T20 लीग का मैच है लखनऊ और हैदराबाद के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अपनी टीम बनाओ, गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो एंड जीतो 15 अप्रैल के लखनऊ वर्सेस पंजाब मैच के दो वीआईपी टिकट्स और वो भी फुल्ली पेड ट्रिप टू मैच लोकेशन। एंड इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ
₹1। एंड ये कॉन्टेस्ट सिर्फ लखनऊ वर्सेस हैदराबाद मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो एंड आप जीत सकते हो ₹1, जो कि सेकंड प्राइज है। ये सेकंड तो सोचो फर्स्ट प्राइज क्या होगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करो एंड यूज करो मेरा कोड Thagesh23। तो डिपॉजिट करते आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% कैश और साथ ही मिलेगा 1500 का बोनस कैश। डाउनलोड करो ऐप फ्रॉम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेक योर टीम फॉर लखनऊ वर्सेस हैदराबाद ओनली ऑन माय 11 सर्कल नाउ। और सलमान जी इस इवेंट में हो, अगर उस इवेंट में ऐश्वर्या राय भी हो तो भाई मीडिया वालों के तो मजे। ये देखो ऐश्वर्या एंड सलमान इन सेम फ्रेम। अभी तो ये लोगों को क्लिकबेट करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा है? अरे रुको जरा, और भी है, ये देखो फोटोज। रेखा जी, अच्छा हुआ इवेंट में अमिताभ बच्चन जी नहीं थे, वरना तो ये लोग के तो मजे हो जाते। बट मेरे को लगता है बॉलीवुड में अगर कोई सारे लफड़े सुलझा सकता है ना तो मुकेश अंबानी है, इतना पावर है। और क्या IPL में एक लड़की पोस्टर लेके आई कि थैंक गॉड उर्वशी इज नॉट हियर, एंड उसी पे कैमरामैन ने कैमरा मारा। और क्या फिर उर्वशी दीदी ने डायरेक्ट वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, कैप्शन लिखा वाई, इसलिए क्योंकि उर्वशी उर्वशी टेके किसी उर्वशी। देखो फनी चीज ये है कि पोस्टर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब उर्वशी ने अपने ही पेज पे ये डाल दिया, ये दीदी खुद वायरल बहनी, इसको वायरल बहनी की जरूरत भी नहीं है। अब उर्वशी की बात चल ही रही है तो बात करते हैं ऋषभ भाई की। तो आपको पता ही होगा रिसेंटली IPL में दिल्ली कैपिटल्स का जो डगआउट है जहां पे प्लेयर्स बैठते हैं वहां पे ऋषभ पंत का जर्सी लगाया है ऊपर, यस ट्रिब्यूट देने के लिए भाई को। लेकिन बात ये है कि BCCI ऑफिशियल इससे ज्यादा खुश नहीं है, उनके अनुसार ये कुछ ज्यादा ही ट्रिब्यूट हो गया कि भाई अभी है दुनिया में, भाई चल नहीं बसा है। ये तब क्या होता है जब बेचारा कोई चल बसता है, और भाई तो अब अच्छा खासा रिकवरी कर रहे हैं, IPL में भी आके गए, तो BCCI के अनुसार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। उर्वशी रौतेला फेस मास्क लगाकर रस्ते पे घूमती हुई नजर आई। एक सेकंड उर्वशी जी, तू क्या? देखो दीदी माना आप दुबई के अम्बेसडर हो, लेकिन गोल्डन मास्क यहाँ पे गले से चेन निकाल के चले जाते, मालूम नहीं पड़ता असली गोल्ड समझ के मुंह लेके चले आएंगे लोग। गाड़ी में बैठने जल्दी बैठ जाओ, मुड़ मुड़ के ऐसा डराओ ना लोगों को। एक बार के लिए मेरे को लगा राज कुंद्रा आ गए, बस IPL में जाने की तैयारियां चल रही है, टका ठक। बढ़ते हैं नीचे साउथ की तरफ हमारे अगले सेगमेंट में, चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में न्यूज है एक बेंगलुरु के आदमी की। तो अभी आदमी अबू धाबी में था, उसको कॉल आया कि उसको 44 करोड़ की लॉटरी लग गई है। उसको लगा भाई कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, उसने कट कर दिया और नंबर ब्लॉक भी कर दिया। उसको फिर दूसरे नंबर से कॉल आया कि भाई भूल गया तूने टिकट खरीदी थी, तेरे को लग गई है लॉटरी 44 करोड़। तब उसको विश्वास हुआ कि हाँ भाई, भाई का भी जिंदगी से विश्वास उठ गया था कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकते हैं। अस ब्रो अस, भिखारी के हाथ में सोने का लोटा दो ना, फिर भी भिखारी को लगा कि ये पीतल है, क्योंकि सोने का तो हमको कौन ही देगा। और क्या अगली न्यूज आ रही है बॉलीवुड से, तो ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 और 3 की रिलीज डेट्स आ चुकी है। यस क्यों ना, मुझे मजा आ गया देख करके, स्पेशली वो जो मीडिया वाला था ना वो सबसे अच्छा लगा कि निकू तो सब नाम ले लेकर के सभी का, और फिर वो मकड़ी। सो उसके बाद रोस्ट बहुत अच्छा किया इसमें, मैं तारीफ करूंगा कि बहुत ही अच्छा रोस्ट किया, मजा आया देख करके। अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि वाहियात सी गालियाँ नहीं देता कोई, एकदम साफ रोस्टिंग है। थोड़ा टाइम लगता है सब्सक्राइबर बढ़ाने में, गाली दो तो जल्दी हो जाता है, बट अच्छी मुझे बहुत पसंद आया। सो इवन आप लोग भी बताओ कि आपको कैसा लगा। चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।